पकड़ के कार्ड में ले लेता हूँ, हमने एंडोर्स किया है। हाँ किसी को सर कर ले सर प्लीज, अब इसको ले जाएंगे, चल काम चल रहा है, थोड़ा जल्दी करवाइए सर। जीनिश पोर्टल के दर्शकों नमस्कार दोस्तों, अभी सामान्य चिकित्सालय गंगापुर सिटी में एक जेब कट को पकड़ा है। और गर्ज साहब क्या मामला था? ये लाइन में लगा हुआ था, जो किसी लाइन में पीछे वाले आदमी पकड़ा है, उसको पता चला है। कितने की जेब कटी थी? जेब काट ली थी इसने, काट ली। कितने की जेब काटी थी? निकाल ली थी, काटा भाई सब दे दिया। 6000 रुपए निकाले तो थी तूने? वापस दे दिया। बता देना तेने निकाले जो के काटी है, उसको बुलाओ ना। वापस काटी थी इन्हें, उस पार्टी को बुलाओ ना जो काटी है सर। पैसे वापस दे दिए उसके? कितने पैसे दिए? उसको नहीं पता, उनको ही दे दिया। कितने की जेब काटी थे? कितने कितने और कौन 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 लोग तुम? तुम्हारी तेरी घरों में कौन कौन है? अरे तेरे को शर्म, तेरे को शर्म शर्म नहीं है कहते बिल्कुल भी? जो मरीज अस्पताल में आ रहा है उनकी उन्हीं की जेब काट रहे हो? कोई बात नहीं, आज कोई बात नहीं, वो कह रहा है। देख रहे हैं दोस्तों, गंगापुर सिटी के सामान्य चिकित्सालय में जेब काटते हुए पकड़ा है। और गार्ड साहब कितने लोगों को पकड़ा है? एक ही। और जिसकी जेब कटी थी वो कहाँ है? पैसे वापस लौटा दिए? पैसे तो इसने वापस दे दिए, बताया पैसे सारे वापस लौटा दिए। डिलीवरी में था मैं तो। देख रहे हैं पैसे लोगों ने पकड़ लिया, पैसे तो वापस लौटा दिया। और जिसकी जेब कटी उसको तो लाओ। कौन है जाना कहाँ? और गंगापुर सिटी के सामान्य चिकित्सालय में बहुत दिनों से जेब कट रही थी। किसी का मोबाइल चले जाता है, किसी के पैसे, आज दिन जेब कटी की घटना हुई। आज किस्मत थी इसकी बुरी थी, जेब कट गई जो पब्लिक के हक के लग गया। और स्थानीय जो कि आया कि पीएमओ साहब सर राजू इनको मिला देना, कई सबसे बात हुई है, पुलिस भेज रहे हैं वो, और इसको अरेस्ट करके लेके जाने की बात कर रहे हैं सर। काफी जेब हाँ नहीं, इससे पहले एक दो बार लोगों ने कहा किसी का मोबाइल चोरी का, लेकिन कोई ऐसा पकड़ में नहीं आया। पहले पुलिस से भी बात की थी हमने, हॉस्पिटल में सुरक्षा के लिए गार्ड लगाने की भी बात की थी, लेकिन जब साहब ने उस टाइम कहा था कि दो पुलिस वाले हम ड्यूटी पे लगाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मेरी डिप साहब से उनसे निवेदन है कि यहाँ सुरक्षा की प्रॉपर व्यवस्था मुहैया करवाएं, ताकि लोगों को इस तरह की घटनाओं का सामना नहीं करना पड़े। पुलिस आ रही है, इसके खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी है। गरीब लोग बेचारे यहाँ पे इलाज के लिए आते हैं और इनको ये देख रहे हैं। मैंने तो पहली बार आया हूँ, मैं तो डॉक्टर था, पकड़ लिया इनको। और अभी पुलिस को, कोतवाली पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया है और पुलिस पहुंचने वाली है। और दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें। और फिलहाल डॉक्टर साहब ने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस पहुंचने वाली है। बहुत दिन से अस्पताल में बहुत घटनाएं हो रही थी, और इससे पहले भी और चेक पड़ी, और इससे पहले भी जेब काफी कटी है अस्पताल में। अरे भाई सब तो उसने काटी है, वो है कौन है वो निवाई का, वो कौन है काटता जेब में नहीं काटता पत्रकार जी, मैं तो आ गया पहली बार। तो उसके पैसे दे दिए वापस? उसके तो दे दिए वापस। तो जेब कौन सी जगह काट रहा था? जेब कौन सी जगह काट रहा था? रूम में, एक नंबर रूम में काट रहा था। और क्या नाम है तेरा? सहिंसा कहाँ रहते हो? नए बाजार में। कौन सी जगह? नए बाजार में कसाई मोहल्ले में, नाम है सहिंसा। देख रहे हैं दोस्तों अस्पताल में जेब काटते हुए सहिंसा को पकड़ा है। और गार्ड साहब कितने बजे की घटना थी ये? अभी हुआ है 15 मिनट पहले। 15 मिनट पहले
मैं तो लेबर रूम में था, भीड़ थी वहाँ जी। फिर मेरे को बुलाया कि ऐसे ऐसे पकड़ लिया इसने। लेबर रूम की घटना दिखी क्या? नहीं नहीं, और एक नंबर की, एक नंबर ये लाइन में लगा हुआ था जो पीछे वाले ने पकड़ा इसको। अच्छा, मरीज बनकर? हाँ, मैं तो लेबर रूम में था, मेरे को बाद में बुलाया था। मरीज बनकर दोस्तों, शहंशाह है इसका नाम, शहंशाह लाइन में लगा हुआ था। शहंशाह लाइन में लगे हुए थे भाई साहब, आ गया मैं तो पहली बार नहीं, मैं नहीं करता ये काम। आ गया मैं तो पत्रकार जी, पहली बार नहीं मिली। नाम है शहंशाह दोस्तों, और जेल पार तो वही अभी पकड़ा है, और नाम है शहंशाह, और अभी डॉक्टर साहब ने पुलिस को भी फोन कर दिया है। दोस्तों बने रहिए, सावधान रहें, सतर्क रहें।